वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम. फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ कंबशन इज साउंड एनर्जी ऑल्सो प्रोड्यूसेस अलोंग विद हीट एंड लाइट एनर्जी. एक्सप्लोजन होगा इसका आंसर, जिसमें हीट एंड एनर्जी लाइट एनर्जी के साथ साथ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. सेकेंड इज वॉट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स. इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स का इग्निशन टेम्परेचर ऑलवेज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है. इसके बाद है थर्ड, विच इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम. फ्लेम का हॉटेस्ट जोन आउटर मोस्ट जोन होता है. फोर्थ इज विच फ्यूल आर बेस्ट फ्यूल्स. गैसियस फ्यूल्स सबसे ज़्यादा अच्छे फ्यूल्स होते हैं कंपेरेटिवली सॉलिड एंड लिक्विड. फिफ्थ इज विच ऑफ दीज फ्यूल हैज़ द हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. तो आप कैलोरीफिक वैल्यू की टेबल में भी देख सकते हैं, पेट्रोल, वुड और एलपीजी में एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है. सिक्स्थ इज विच हैज़ द हाइस्ट इग्निशन टेम्परेचर. वुड. इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स. कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इज सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. सेकेंड इज कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आर जनरली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. थर्ड, स्पॉन्टेनियस कंबशन टेक्स प्लेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट अप्लाइड हीट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. फोर्थ इज द केमिकल्स प्रेजेंट इन ए मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर आर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. इसके बाद है फिफ्थ, एन एफिशिएंट फ्यूल हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू. सिक्स्थ, ए गुड फ्यूल प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट. सेवेंथ, द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज डग इन इंडिया एट आसाम इन द ईयर 1866. इसके बाद है मैच द कॉलम्स. फर्स्ट है कंबशन, इसका आंसर मैच होगा ई, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सेकेंड, इग्निशन टेम्परेचर, इसका मैच होगा सी, टेम्परेचर एट विच कंबशन टेक प्लेस. थर्ड, इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, इसका आंसर होगा ए, कैच फायर ईजिली. फोर्थ, ब्लू जोन ऑफ अ फ्लेम, इसका आंसर होगा एफ, कंप्लीट कंबशन. फिफ्थ, येल्लो जोन ऑफ अ फ्लेम, आंसर होगा बी, पार्शियल कंबशन. एंड सिक्स्थ, कैलोरीफिक वैल्यू, मैच होगा डी, हीट एनर्जी पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल. नेक्स्ट इज करेक्ट द स्टेटमेंट्स. रैपिड कंबशन टेक्स प्लेस इन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर. रैपिड कंबशन जब होगा जब सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर मिलेगा, तो इसमें आप इनसफिशियंट की जगह सफिशियंट लिखेंगे. सेकेंड, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस अंडरगो कंबशन इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. मैक्सिमम नहीं, मिनिमम टेम्परेचर होगा इसका आंसर. थर्ड इज गुड फ्यूल्स हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू. हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा लो की जगह. नो कंबशन टेक्स प्लेस इन द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम. उसमें कंप्लीट कंबशन होता है आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम में. फिफ्थ इज एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल अपॉन किलोग्राम. इसकी एसआई यूनिट होती है जूल अपॉन किलोग्राम. एसिड रेन टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया इन वाटर. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह तो आप लिखेंगे नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया की जगह आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. इसके बाद है ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस. वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है. फर्स्ट है ई का फर्स्ट, डिफाइन कंबशन. तो कंबशन में आप फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट पॉइंट है, कंबशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. तो इसमें आप कंबशन में इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. सेकेंड इज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन से आप क्या समझते हैं, पेज नंबर 67 पर है इसका आंसर. थर्ड इज विच गैस कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वाटर टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज बाय शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट में वाटर की जगह पर आप क्या यूज में लेंगे, तो CO2 गैस यूज में लेते हैं. पेज नंबर 67 पर है रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन इसमें आप फर्स्ट लाइन लिख लेंगे, इफ अ कंबशन रिएक्शन टेक प्लेस विद अ हाई स्पीड इट इज नोन एज रैपिड कंबशन. फोर्थ क्वेश्चन इज विच जोन ऑफ अ फ्लेम इज हॉटेस्ट एंड व्हाई. सबसे ज़्यादा कौन सा जोन हॉटेस्ट होता है, आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट होता है. वाई का रीज़न आपको उसमें पीछे मिल जाएगा, फ्लेम वाले टॉपिक में आप देखेंगे, आउटर मोस्ट जोन वाले टॉपिक में आपको वहाँ इसका आंसर मिलेगा. फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. कैलोरीफिक वैल्यू से आप क्या समझते हैं, न्यू वर्ड्स का लास्ट पॉइंट है कैलोरीफिक वैल्यू. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. तो आप इसमें न्यू वर्ड्स का लास्ट पॉइंट लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू में.
इसके बाद सिक्स पॉइंट है, सिक्स क्वेश्चन है, विच फ्यूल हैज़ द हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन गैस की सबसे ज़्यादा होती है कैलोरीफिक वैल्यू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट इज व्हाई वाटर शुड नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज बाय शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में वाटर क्यों नहीं हम यूज में ले सकते हैं, पेज नंबर 70 पर है इसका आंसर। इसमें मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रिक फिटिंग विल ट्रांसफर द करंट एंड द पर्सन एक्सटिंग्विशिंग द फायर विल रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक। एंड इसका आंसर पेज नंबर 71 पर है कि हॉटेस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन कौन सा होता है, क्यों होता है, तो इसमें आंसर लिखेंगे एज दिस जोन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर द वैक्स वेपर अंडरगो कंप्लीट कंबशन मेकिंग इट द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू जोन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पेज नंबर 72 पर है। आपको ओनली फॉर्मूला लिखना है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड। थर्ड क्वेश्चन इज इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, आपको इसे एक्सप्लेन करना है, तो आप सिर्फ इसका आंसर लिखेंगे ग्रीन लीव्स कंटेन लेस वाटर, ग्रीन लीव्स में पानी होता है, सो द हीप ऑफ ग्रीन लीव्स डू नॉट कैच फायर इजीली, dry leaves have no water, dry leaves में कोई भी पानी नहीं होता है, and their ignition temperature is less, उनका ignition temperature कम होता है, and easily attainable, तो आप ignition temperature easily आप attain कर सकते हैं, और इसी वजह से green leaves पानी होने की वजह से fire catch नहीं करती हैं comparatively to dry leaves। ये है third का answer। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड व्हाई, कौन सा जोन यूज में लेते हैं, आउटर मोस्ट जोन, ब्लू जोन यूज में लेते हैं, क्यों लेते हैं, पेज नंबर 71 पर है इसका आंसर। दे ब्लो ऑन द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट जोन, सो इट क्विकली एंड ईजिली मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज इनकम्प्लीट कंबशन हार्मफुल, इनकम्प्लीट कंबशन हार्मफुल क्यों है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो और सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर एंड कंपेयर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर एंड वुड, इसका आंसर 68 पर है। तो पहले आप इग्निशन टेम्परेचर, ये है इग्निशन टेम्परेचर, तो आप इसमें से इग्निशन टेम्परेचर के बारे में आप क्या जानते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर बाय एन एक्सटर्नल स्पार्क और अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर और काइंडलिंग टेम्परेचर। इसके बाद आपको इग्निशन टेम्परेचर कंपेयर भी करना है, पेपर और वुड के इग्निशन टेम्परेचर में आप सिर्फ ये मेंशन करेंगे कि पेपर और वुड में इग्निशन टेम्परेचर किसका कम होता है और किसका ज़्यादा होता है, तो वो आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 67 पर इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है इनकम्प्लीट कंबशन का, तो ये मैंने मार्क लगाया हुआ है, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ फ्यूल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस, इफ इनहेल्ड इन लार्ज अमाउंट इट कैन सफोकेट ए पर्सन टू डेथ, इन एडिशन द अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ सूट और स्मोक ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, पेज नंबर 67 पर। इसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। फर्स्ट इज व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर कंबशन टू टेक प्लेस, कंबशन के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं, तो पेज नंबर 68 पर है इसका आंसर। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, इसमें थ्री कंडीशंस हैं, प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड थर्ड अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, तो इसमें आपको तीनों में ही एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स तीनों पॉइंट्स को जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, पेज नंबर 68 पर। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर, मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है, पेज नंबर 70 पर है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो आप सिर्फ इसका डायग्राम ही बनाएंगे ओनली। इसके बाद है थर्ड, व्हाट इज अ फ्यूल, हाउ आर फ्यूल्स क्लासिफाइड,
फ्यूल क्या होता है और कितनी तरह के होते हैं। पेज नंबर 72 पर है इसका आंसर फ्यूल्स का। सबसे पहले व्हाट इज़ ए फ्यूल, फ्यूल का आप डेफिनेशन लिखेंगे, फ्यूल इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़ बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी, और दो लाइन लिख सकते हैं, और इसके बाद सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल, और तीनों के बारे में आप जितना इसमें लिखा हुआ है आप इसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ फ्यूल, फ्यूल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स पर आपको शॉर्ट नोट बनाना है। पेज नंबर 73 हार्मफुल इफेक्ट्स पॉइंट्स हैं फर्स्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 सिक्स पॉइंट्स हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स के। आप एनी 4 और 5 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के आंसर। एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इसमें। तो पेज नंबर 73 पर ही गुड फ्यूल की 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आपको 6 के 6 ही लिखने हैं बिकॉज ये एक एक लाइन में ही दिए हुए हैं आइडियल फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये हुआ हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं जो हमने अभी कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था। फर्स्ट इज इफ 8 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल प्रोड्यूसेस 96,000 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी, व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो आपको मैंने इसमें डायरेक्ट किया है, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू का, और 96,000 एनर्जी है और अपॉन में कितना क्वांटिटी है वो लिखना है। तो दैट इज़ 8 किलोग्राम, डिवाइड करेंगे आप 12,000 और यूनिट लगाएंगे कैलोरीफिक वैल्यू की किलो जूल अपॉन किलोग्राम। वैसे ऐसा ही यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू जूल अपॉन किलोग्राम होती है, सिंस क्वेश्चन में 96,000 किलो जूल है और 8 किलोग्राम है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिट आपको उसी अकॉर्डिंग ही लिखनी है। सेकेंड, 2 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल अंडरगोज अनकंट्रोल्ड कंबशन टू प्रोड्यूस 3 लाख किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो आप 3 लाख अपॉन 2 लिखेंगे, 3 लाख अपॉन 2 आंसर आएगा 1,50,000 किलो जूल अपॉन किलोग्राम। एंड थर्ड क्वेश्चन इज 6 किलोग्राम ऑफ ए वेराइटी ऑफ कोल प्रोड्यूसेज 2,10,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसके लिए भी आपको 2,10,000 में 6 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो 35,000 आंसर आएगा किलो जूल अपॉन किलोग्राम। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन में जो यूनिट दी हुई होती है आंसर भी आपको उसी यूनिट में आता है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑलवेज जूल अपॉन किलोग्राम में ही आएगी। क्वेश्चन में हीट एनर्जी की यूनिट क्या है आप वो देखेंगे, एंड फ्यूल की क्वांटिटी की यूनिट क्या है आप वो देखेंगे, और उसी अकॉर्डिंग ही आप अपनी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट लिखेंगे। अगर हीट एनर्जी जूल में दी हुई हो एंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल किलोग्राम में दी हो, देन यूनिट आएगी जूल अपॉन किलोग्राम। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है।